भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, आज हम ये जानेंगे। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक देश के भविष्य को संवारने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। गुरु का सभी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं गुरु के बिना किसी भी लक्ष्य पर पहुंच पाना संभव नहीं है। गुरु ही हमें जिंदगी जीने का सही तरीका और उसमें आने वाली मुसीबतों से लड़ने के बारे में बताते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी गुरु ही होता है, जिसके माध्यम से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस दिन सभी छात्र छात्राएं शिक्षकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक बार राधा कृष्णन के शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने का सोचा और उनकी अनुमति लेने गए तो राधा कृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। वो एक महान शिक्षक के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 में जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, उसी साल से उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका है, इसके लिए शिक्षकों को सम्मान दिया जाना चाहिए। और फिर शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। इस दिन स्कूल तथा कॉलेजों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को तरह तरह के गिफ्ट देते हैं और इस दिन शिक्षकों को मान सम्मान देकर उनके काम की सराहना की जाती है। और इस दिन बच्चे अपने टीचर्स को कार्ड भी देते हैं और उस दिन छात्र शिक्षक को आराम देकर उनकी जगह खुद पढ़ाते हैं। We should respect our teachers every time. सफलता की पहली सीढ़ी गुरु ही होते हैं, जिसके माध्यम से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। Happy Teachers Day to all. Happy Teachers Day to all of my teachers and thank you for teaching me new and good things. Thank you for watching this video. धन्यवाद।